वेलकम फ्रेंड्स टू विक्टर क्लासेस। आज हम प्रॉब्लम सीखेंगे टाइम एंड वर्क्स। तो चलिए हमारा प्रॉब्लम क्या उसे देख लेते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है, ए कैन डू वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन डू इन 20 डेज। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। तो मतलब बताया कि एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में। अगर दोनों 4 दिन तक एक साथ काम किए तो कितना काम बचा रहेगा। तो चलिए इसे सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए का एक दिन का काम कितना है, 1/15, क्योंकि 15 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। उसी तरह बी करेगा एक दिन में 1/20। दोनों साथ में कितना करेंगे, ए का इतना एक दिन में ए कितना काम करता है, 1/15, और बी कितना काम करता है, 1/20। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का एक साथ निकल जाएगा। तो अब जैसे कि निकला तो वहाँ पे एक दिन का काम कितना है, 7/7, 60 है ना। तो 4 दिन में वो कितना काम करेगा, 7/60 × 4, तो यहाँ से आ गया आपका 7 × 15, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जितना तो इतना काम इन्होंने किया है 7/15 काम, ठीक है, 4 दिन में। तो इतना बचा कितना, हमारे पास टोटल काम कितना होता है 1, तो 1 में से 7/15 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 8/15। तो दोस्तों ऐसे आपको वीडियो अगर देखने हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे दोस्तों। और अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिए और वीडियो क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमें जल्दी जल्दी बड़ा बनाएं कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लेके आ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिए।